नमस्कार दोस्तों टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वी कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो सी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्ष मुंद्रा उनकी तरफ से वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल के बारे में कुछ बातचीत यहाँ पर किया गया है देखिए हर एक लोग चाहते हैं कि वोडोफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के अंदर रहे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प भी वोडोफोन आइडिया कंपनी को किया जा रहा है लेकिन आज के सीनारियों के अंदर वोडोफोन आइडिया कंपनी का रिवाइवल का चांस बहुत ज़्यादा कम है और इसके पीछे कारण भी है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होंगे तो वोडोफोन आइडिया कंपनी अगर रिवाइव यहाँ पर करना चाहते हैं तो कुछ की स्टेप्स को वोडोफोन आइडिया को फॉलो करना होगा जिनके बारे में जब मुंद्रा जी को पूछा गया तो उनका जो पर्सनल व्यू है वो उनकी तरफ से दिया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप एक वोडाफोन एरिया के ग्राहक है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, और इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया नौ 7,900 करोड़ रुपए का लॉस यहां पर किया है सिर्फ इस तीन महीने के अंदर उसी के साथ पूरे साल की अगर मैं बात करता हूँ तो वोडाफोन आइडिया कंपनी बीस मिलियन मतलब दो करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पर लॉस किया है तो वीआई कंपनी का जो सब्सक्राइबर लॉस है वो भी काफी ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू लॉस भी काफी ज्यादा है मतलब ऑलमोस्ट अट्ठाईस करोड़ रुपए लॉस किया वोडाफोन आइडिया पूरे साल के अंदर तो वैसे एक टाइम के अंदर वोडोन आइडिया रिवाइव किस तरीके से कर सकते हैं ऑलरेडी वीआई कंपनी 5G स्पेक्ट्रम को परचेस कर लिया है लेकिन उस 5G स्पेक्ट्रम को ठीक तरीके से डिप्लॉय नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मनी तो ऐसे एक टाइम के अंदर जब वोडाफोन एडिया कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यह पूछा गया कि वोडाफोन एडिया कंपनी के अंदर प्राइस ही कब होंगे क्या कुछ ऐसा इंटेंशन है कि वोडोफोन एरिया कंपनी प्राइस आई करेंगे क्योंकि रिसेंटली एयरटेल कंपनी की तरफ से प्राइस आई किया गया अपने मिनिमम रिचार्ज वाला प्लान जो नाइनटी है उसे सट डाउन करके मिनिमम रिचार्ज वाला प्लान एक सौ कर दिया गया है तो एयरटेल की तरफ से प्राइस आय हुआ है और इससे पहले भी हम देखें एयरटेल जो ट्रेंड को यहाँ पर लाते हैं उसे मिले वोडोफो आई डॉट जियो भी फॉलो करते हैं लेकिन वी और जियो के अंदर अभी तक किसी भी तरीके का प्राइस आई का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो तरफ से क्लियर बताना है, प्राइस की जरूरत है। और भारत के अंदर जो अभी का है, उसे देखते हुए कोई भी दिन नहीं कर पाएंगे इस तरीके के ऊपर के तो की काफी ज्यादा आवश्यकता है लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर प्राइस हो जाते हैं तो आज के डेट के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट है वो एक बेसिक नीड बन चुका है फंडामेंटल राइट्स बन चुका है तो उसका क्या होंगे काफ़ी सारे लो इनकम वाले लोग जो है वो किसी भी टाइप ऑफ नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा उन्हें पे करना पड़ेगा तो उनकी तरफ से क्लियर कट ये कहना है कि देखिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर पे करते हैं वहाँ पर एक स्लैब होते हैं मतलब आप 200 यूनिट तक यूज किए एक महीने के अंदर तो आप एक स्लैब के अंदर आ जाएंगे 200 से 500 यूनिट के अंदर आपके पर यूनिट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे 500 से ज्यादा यूज़ करते हैं तो और कॉस्ट बढ़ जाएंगे मतलब जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतने ज्यादा आपको पे करना होगा तो ठीक सिमिलर तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट है यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का रूल यहाँ पर आना चाहिए मतलब जो लोग टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट को एज ए बेसिक फंडामेंटल की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए जो प्राइसिंग है वो कम रखा जाएगा लेकिन जो लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा कॉलिंग यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर पे किया जाएगा तो उनका मेन जो टारगेट है कि जो प्रीमियम लेवल वाला प्लान है फॉर एग्जाम्पल जो लोग अनलिमिटेड यूज़ करते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग अनलिमिटेड डेटा एस एम एस दिन में सौ एस एम एस और बहुत सारे ओ टी टी बेनिफि यूज़ करते हैं तो वो प्रीमियम कैटेगरी के लोग होते हैं तो उनके लिए प्राइस को यहाँ पर बढ़ाया जाए लेकिन जो लोग एकदम बेसिक लेवल पर यूज़ हैं फॉर एग्जाम्पल फीचर फोन यूज़ कर रहे छोटे वाला जो फोन है वो यूज़ कर रहे हैं और सिंपली अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रखना चाहते हैं सिंपली इनकमिंग को रिसीव करना चाहते हैं जो एसएमएस वगैरह है वो यहां पर रिसीव करना चाहते हैं तो जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए जो प्राइसिंग वो काफी ज्यादा कम रखा जाए तो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि जो लोग काफी ज्यादा सिम कार्ड को यूज़ करेंगे नेटवर्क के ऊपर काफी ज्यादा कंजेशन क्रिएट करेंगे तो मेनली उनके लिए ज्यादा प्राइस लिया जाए और जो लोग लो इनकम वाले लोग हैं उनको भी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल पाए तो मुंद्रा जी की तरफ से ये जो कहना है मेरे ख्याल से काफी अच्छा कहा उन्होंने अगर कुछ इस तरीके का चीज़ होते हैं तो डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनी का जो इनकम है जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो लोग नॉर्मली सिम कार्ड को यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके का चीज को समझते हैं था। तो जियो को पता है कि वो जियो फोन वन और जियो फोन टू वही लोग लेंगे जो मेरे लो इनकम वाले लोग होंगे और उनके लिए अलग प्लान जियो की तरफ से लॉन्च किया गया था काफी सस्ता था

अभी के टाइम के अंदर जियो और एयरटेल के अंदर अलग से कोई जी प्लान से से को कर सकते हैं एयरटेल के अंदर और कोई टेंशन नहीं है लेकिन की तरफ से इसे बताया जा रहा है कि जो लोग मेरे फाइव जी यूज करेंगे वी का, उनको थोड़ा प्रीमियम पर पे करना होगा एज कंपेयर टू फोर जी यूजर्स तो इस चीज को यहां पर क्लियरफाई कर दिया है मुंद्रा जी ने और अभी के टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है उनको जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया तो कोई भी

लेकिन अभी के टाइम के अंदर यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था वीआई कंपनी के बारे में जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं अगर वीडियो पसंद आए कुछ ने जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय एंड टेक केयर आपसे उस तो कैसे भी नया वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा